हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पीएम यूनिवर्सिटी के बारे में। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे इस यूनिवर्सिटी में फॉर एकेडमिक ईयर 2021, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ब्राउज़ करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बिफोर रजिस्ट्रेशन करना मैं आपको बताऊं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आज ही कौन कौन से प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, कौन कौन से स्कूल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर। आप देख सकते हैं ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर करते हैं अंडर आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर। आपको जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हो गया कि कैंडिडेट्स की सीट्स कितनी हैं, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या क्या है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। फॉर मास्टर्स आप देख सकते हैं कितनी कितने कैंडिडेट्स कितनी सीट्स हैं, आपका एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप यहाँ पे और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, आर्ट्स एंड साइंस के लिए, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, आप देखेंगे सिर्फ MBA ऑफर किया है अंडर दिस स्पेशलाइजेशन। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे क्या जो सीट्स हैं 60 कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एडमिशन क्राइटेरिया देखेंगे। आपको जो भी कोर्स परस्यू करना है आप सबसे पहले यहाँ पे आके अपना एलिजिबल क्राइटेरिया देखेंगे, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उन्हें यहाँ से कंटेक्ट कर सकते हैं, या उन्हें मेल लिख सकते हैं, या उन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे व्हाट्सअप पर लेकर क्लिक करेंगे, आप कंटिन्यू टू चैट करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट है। देख सकते हैं, अगर आपको और चीज़ें जाननी है अबाउट फाइनेंशियल, जैसे कि प्रोग्राम फीस, अगर आपको जानना है कि जो प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस क्या है, वो भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 ईयर, 2nd ईयर ऑनवर्ड्स आपकी प्रोग्राम की फ़ीस मेंशन है। आपकी हॉस्टल की फ़ीस जो है उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके हॉस्टल की फ़ीस के बारे में एक PDF है। आप इस PDF पर क्लिक करके अपने हॉस्टल की फ़ीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट फ़ीस के लिए यहाँ पर जाएंगे, आप ट्रांसपोर्ट फी के लिए देख सकते हैं, आप PDF गिवन है, आप यहाँ पर क्लिक करके आगे देख सकते हैं। रिफंड फीस, एजुकेशन लोन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है। स्कॉलरशिप की डिटेल्स के लिए आप यहाँ स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, आपको स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स दिए हैं, PDFs दे रखे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके उन PDFs को एक्सेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट काउंसलिंग, PhD एप्लीकेशन डाउनलोड्स, अगर आप उन्हें कंटैक्ट करना चाहते हैं आप उन्हें कंटैक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप श्योर हैं कि आपको फॉलो करना है एंड आपको अभी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, अपना DOB लिखेंगे, अपना कोर्स मोड लिखेंगे कि आपको रेगुलर करना है, पार्ट टाइम करना है, लेटरल करना है, इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, आप कौन सा कोर्स के लिए फिल कर रहे हैं, UG PG, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, लाइक आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए वो लिखेंगे, आपकी चॉइस ऑफ ब्रांच कोड यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जाना है, आप होम पे जाएंगे, आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, विजन मिशन, कोर वैल्यूज यूनिवर्सिटी का, जो टॉप रिक्रूटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ होम पे जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप यहाँ पे अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कोर्स मोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अप्लाई नाउ पे जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं, वैसे ही आपको ये फॉर्म अलग से भी दे रखा है। जो आपको मिल जाए आप उस पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर देंगे अपनी सारी डिटेल्स। सो जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक फ़ीस पे करना होगा, जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, आपको किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर वो नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आई एम सेइंग इट अगेन, अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेक करें।
थैंक यू, आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. होप यू हैव अ नाइस डे. प्लीज़ बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग.